Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव में बिहार की सीट की बात करें तो सबसे हॉट सीट अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन, तो आप कहेंगे पूर्णिया। पूर्णिया की सीट लोकसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट रही। चुनाव अब खत्म, सबको इंतजार की परिणाम क्या आता है पूर्णिया का। क्या पूर्णिया में पप्पू यादव बाजी मारेंगे या संतोष कुशवाहा के पास ये सीट रह जाएगी या RJD की बीमा भारती सीट को निकाल लेंगे। एग्जिट पोल में मैं आपको बताऊंगा कि पूर्णिया की सीट में फिलहाल क्या होने जा रहा है। पूर्णिया की लोकसभा सीट पर चुनावी जंग बड़ी दिलचस्प रही। सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली सीट बनी पूर्णिया। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए, टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला, सीट बंटवारे में सीट RJD के पास चली गई। JDU की विधायक बीमा भारती RJD से उम्मीदवार हो गई। बीमा भारती चुनाव में बड़े जोर शोर से लगी, चुनाव प्रचार करती रही। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी समेत तमाम बड़े नेता वहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे। JDU के संतोष कुशवाहा 2014 से वहां चुनाव जीत रहे। नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे। तमाम विधायक भी उतारे गए पूर्णिया में। किलेबंदी कर दी गई कि कैसे भी इस चुनाव को जीता जाए, लेकिन पप्पू यादव इन सब पर कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव लड़ने के मामले में काफ़ी बीस दिखे। पप्पू यादव लगातार वहां तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आने लगा और यूं कहें कि चुनाव के मात्र 2 से 3 दिन बचे, तो तेजस्वी यादव का एक बयान आता है जिसमें तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर आप हमें नहीं चुनाव जिता रहे हैं तो आप NDA को चुनाव जिता दीजिए। यानी कि आप इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दे रहे हैं तो आप NDA को वोट दे दीजिए। इसका यहाँ पर थोड़ा फायदा हुआ है। इससे हुआ ये कि वहाँ चुनाव त्रिकोणीय की जगह आमने सामने का चुनाव हुआ। संतोष कुशवाहा JDU के वर्सेस पप्पू यादव यहाँ आमने सामने हो गए। पप्पू यादव ने बहुत कड़ी टक्कर दी है, लेकिन यहाँ पर बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि पूर्णिया की सीट पर संतोष कुशवाहा को एज है। संतोष कुशवाहा यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। उन्होंने बूथ मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर किया है, लेकिन पप्पू यादव ने भी कहीं से भी 19 इस मामले में वो नहीं रहे। लेकिन बड़ी बात ये कि तेजस्वी यादव के बयान की वजह से थोड़ा असमंजस और वहाँ पर वोट शिफ्ट कराने में तेजस्वी यादव कामयाब रहे, या एक तरीके से कहें तो RJD के चुनावी रेस से हट जाने की वजह से फायदा यहाँ पर JDU को होता हुआ दिखा। संतोष कुशवाहा के पक्ष में वोट गिरते हुए दिखे। बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि हमारे रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्टरों के इनपुट के अनुसार, पूर्णिया की सबसे जो हॉट सीट रही लोकसभा चुनाव में, इस सीट से पप्पू यादव चुनाव नहीं जीतेंगे बल्कि JDU के संतोष कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं। ये सीट NDA के पास रहेगी और NDA के संतोष कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक सीट का एग्जिट पोल बिहार तक पर आप देख सकते हैं। साथ ही 4 जून को सबसे तेज नतीजे सिर्फ बिहार तक पर।